गुड मॉर्निंग साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। आप देख रहे हैं 10 दिवसीय कुछ विशेष क्लास, जिसमें हम टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट सिखाते हैं। तो आप हर दिन याद रखिए, सुबह 7 बजे से ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे समीकरण, पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि घोल के पी जाएंगे, बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे, जीरो से लेकर के टॉप तक, मतलब जीरो से हीरो। समीकरण एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, समीकरण एक्चुअल में क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि दो ऐसे कथन जिनमें समता होती है वो समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे समता का मतलब होता है बराबर, जैसे किसी की कंपेयर करें किसी से, कुछ ऐसे ही होता है। बाकी इसकी कोई डेफिनेशन कहीं ना पूछी जाती है ना कोई मतलब होता है। अब सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बड़ी बात वो है कि आप रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे और द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे और त्रिघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। आगे चतुर्घात भी होता है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है सिखाना द्विघात और ये रैखिक। रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाला, द्विघात मतलब द्विघात वाला, यही अक्सर आपसे हर जगह पूछे जाते हैं। ये त्रिघात बहुत कम मिलता है, ये आगे चल के मिलता है, ठीक है, आप लोग के ज़्यादा अभी काम नहीं आने वाला है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है ये, आपको ये चीज़ें याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax2 + bx + c = 0, जहाँ ए बी सी एक नियतांक है, मतलब एक गिनती हो सकती है कुछ भी, लेकिन ये यक्स और जो यक्स है ये नहीं बदल सकता है, ठीक ना। वैसे अगर इसमें बात करें हम, तो इसमें देखिए इसका कोई मानक रूप तो मैंने नहीं लिखा है फिलहाल साथियों, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के समीकरण होते हैं। एक तो एक चर राशि में रैखिक समीकरण होता है, एक द्वि चर राशि में रैखिक समीकरण होता है। तो एक चर राशि मतलब जिसमें केवल देखो एक से ही है, मतलब केवल एक्स है, वाई नहीं है। और ये द्वि चर राशि में रैखिक समीकरण जिसमें एक्स भी है और वाई भी है। तो ये इनकी छोटी छोटी पहचान है, आपने देख लिया। अब हम ये बात करेंगे कि रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, सब कुछ पढ़ाएंगे समीकरण के बारे में, ठीक ना। और क्लास को यार पूरा देखना, एंड तक देखना, काट मत करना बीच में, लाइक नहीं किए तो तुरंत कर दो जल्दी से। अब देखिए साथियों, हम बात करते हैं पहले रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण जिसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक चर राशि में रैखिक समीकरण होता है या दो चर राशि में रैखिक समीकरण। दोनों को कैसे हल करते हैं, बहुत ही समझने वाली बात है। पहले तो एग्जांपल देख लो। एक चर राशि में रैखिक समीकरण, जैसे मैंने लिख दिया कि 3x + 5 = 7, तो ये एक चर राशि में रैखिक समीकरण है, चूँकि इसमें चर केवल एक ही है, चर मतलब वेरिएबल, और वो है एक्स। इसके सिवा जो दो चर राशि में रैखिक समीकरण होता है, जैसे 3x + 5y = 7 अगर मैं लिखूं, तो इसमें दो चर राशियां हैं, एक यक्स है एक वाई है, बात समझ गए ना, जिन्हें वेरिएबल बोलते हैं। तो ये दोनों में अंतर हुआ। अब अगर हल करने की बातें आएँ कि इनको हल करिए, मान निकालिए, तो कैसे क्या होता है वो हम अब देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो एक चर राशि में रैखिक समीकरण होता है, अक्सर इनको अकेले ही हल किया जा सकता है, और इनको हल करके जो चर पद होता है यानी वेरिएबल, उसका मान हम निकाल लेते हैं। कैसे, देखो, जैसे अगर मुझे इसको हल करना हो तो इसको हम लिखेंगे 3x = 7 है, ये 5 इधर प्लस में है तो उधर जाता है पक्षांतर होकर के, तो माइनस हो जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। अगर इधर माइनस का होता तो उधर प्लस का हो जाता, और प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब यहाँ से यक्स बराबर, इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे 7 से 5 तो 2 आएगा, और चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, इतना होगा। साथियों, जब यक्स इक्वल आप निकालोगे तो 3 इधर से मल्टीपल में है, यहाँ पर इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/3 आएगा। ये बात समझ में आई, ये छोटा सा एक आपके लिए एग्जाम्पल था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, आप लोग बस देखते रहना। तो दोस्तों, जो दो चर राशि वाला समीकरण होता है रैखिक में ना, उसको कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इनका हल कैसे करते हैं। वैसे तो जो अकेले रैखिक समीकरण होते हैं, इनको अकेले हल नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, अगर जैसे क्लास 9th की हम मैथ देखें NCERT में, तो उसमें कह रहा है कि इस समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम इन चरों में से कोई एक चर का मान कुछ भी मान लेते हैं खुद से, और फिर दूसरे का मान निकालते हैं, और फिर उसी तरह फिर दूसरे वाले चर का मान कुछ भी मान करके पहले वाले का मान निकालते हैं, ठीक ना। तो अगर इसको अकेले हल करना है, मान निकालना है यक्स का या वाई का, मतलब तो चलो रखते हैं, यक्स बराबर जीरो रखने पर, देखो ये जीरो हमने खुद से रखा है। अगर आपको कहीं भी ऐसे रैखिक समीकरण मिलते हैं उनके हल ज्ञात करने होते हैं तो आप ऐसे यक्स बराबर जीरो या एक या दो कुछ भी रख लोगे, ठीक। तो इस समीकरण में जब हम जीरो पुट करेंगे तो 4 × 0 हो जाएगा साथियों, प्लस 3y इक्वल ये हो जाएगा 1 × 12, इतना बात पक्की ना। उसके बाद ये 4 × 0 हो गया और ये हो गया 3y इक्वल ये हो गया 12, यहाँ से y निकालोगे तो ये हो जाएगा 12/3, ठीक ना, कितना हो गया 12/3। उसके बाद जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान जो है वो 4 आ गया। देखो यहाँ पर मतलब समझना, y का मान 4 आ गया, x का मान हमने 0 पहले से माना था, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल में x कामा y बराबर कितना हो गया 0, 4, यानी कि ये इसका मान 1 हो सकता है, ठीक। ये तो हो गया आपका एक हल। हाँ, इसी तरह से आप अनेक हल कर सकते हो, x का मान आप 2 रख दो तो कुछ और आएगा y का। इस तरह से रैखिक समीकरण जो दो चर वाले होते हैं उनको हल किया जाता है, जब वो अकेले दिए हों, मतलब एक ही समीकरण दिए हों तब, और अक्सर हमें ये दो मिलते हैं एक साथ में, तब इनको हल करना आसान होता है। देखो कैसे, ध्यान दीजिए, अब अगर इनको हल करना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो यार, इन तरह के अगर समीकरण दिए हैं तो इनको हल करने की दो विधि होती है, जो हमने आपको दोनों पढ़ाया है ना, मुख्य जो दो विधि उनको बताया है, प्रतिस्थापन विधि बताया है और विलोपन विधि बताया है ना। एक होता है जो मान को रख के दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं, एक में एक किसी का विलोप कर देते हैं। तो चलो हल करते हैं, पहले हम विलोपन विधि से। देखिए, जब इस तरह से समीकरण दिए गए हों और उनमें आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि देखो इसमें x का मान 7 है और इसमें y का, ओ सॉरी, x का क्या है 3 है, बराबर नहीं है ना, इसमें देखो 2 है, इसमें क्या है 3 है, तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या करते हैं ना, हम x या y इसमें से किसी एक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। और बराबर कैसे करते हैं वो देखना इधर, जैसे ये 7 है तो ये भी 7 हो जाए, या फिर ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, दोनों बराबर हो जाएं, तो हम x एक पद यहाँ से काट के हटा सकते हैं, फिर दूसरे का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों रहते हुए संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, चलो हम पहले y x का मान मान लो निकालते हैं, तो हम y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप तिरछा गुणा करके भिन्न हल करते हो, सेम वैसे ही करना है, यानी कि जो नंबर इसमें दिया गया है ये 3 ना, इसके गुणांक से आपको इस पूरे समीकरण में गुणा कर देना है, और जो इसमें y का गुणांक है यानी कि 2, उससे आपको दूसरे में पूरे में गुणा कर देना है। तो ये चलो लिख लो, समीकरण 1 समीकरण 2, नीचे लिखिए समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में किससे, 2 से गुणा करने पर। आप बहुत ही अच्छे समझना। तो साथियों समीकरण 1 में 3 से करोगे तो ये 3 × 9x हो जाएगा, धन 3 × 6y इक्वल 3। समीकरण 2 में 2 से होगा तो 2 × 7 = 14x, धन 2/6y बराबर 2 × 4। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, अब वो क्या है कि देखो y वाले पद हो गए बराबर, तो यार क्या करेंगे पता है आपको, घटाने पर यहाँ लिख लो, चाहे कोष्ठक में नहीं वैसे समझ लो, फिर घटाते हैं हम जब ये ऐसी स्थिति आती है, मतलब हमारा उद्देश्य है कि यहाँ से x या y वाला कोई एक पद ख़त्म हो जाए तभी हम एक का मान निकाल पाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता ये तो हम इसको जोड़ते, क्योंकि जोड़ने पर कट जाता वाई वाई वाला, लेकिन दोनों प्लस है, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ के 12 हो जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, फिर लफड़ा फंस जाएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या करें, घटाएंगे, यहाँ पर ब्रेकेट में लिख लो, चाहे घटाने पर, घटाने पर समीकरण 2 में से 1 में से 2 को, तो साथियों घटाने पर चिन्ह बदल दिए जाते हैं ऐसे, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो ये प्लस माइनस होके कट जाएगा। अब ये माइनस प्लस घटेगा तो माइनस कितना आएगा, 9 × 5 = 14 होता है ना, माइनस 5x बराबर, देखो ये 4 है बड़ा है और ये 3 क्या है छोटा है, तो आप सभी जानते हो कि अगर माइनस का 4 प्लस का 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1।
तो यहाँ पे आप माइनस का वन लिखोगे। इस तरह से आपका साथियों दोनों तरफ जब माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इतना हो जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू आएगा वन अपान फाइव, कितना आएगा एक्स का मान, एक बटे पाँच। नोट कर लो आप लोग, ये बात इतनी क्लियर हो गई ना, ठीक ना, तो लिख लो फट से, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हो गया। तो साथियों इस तरह से आपने देखा कि रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, हमने आपको सारे स्टेप बता दिए, सब कुछ बता दिए। आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए और दोस्तों में अवश्य शेयर करिए, ठीक है। 27 तारीख के बाद, 27 मार्च के बाद हम आपको फिर से बड़ी बड़ी क्लास देंगे, आप लोग देखना। लेकिन यार तब तक आप लोग एक विशेष सीरीज का क्लास देख लो, इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक ना। तो ये मत सोचा करो केवल 10 ही मिनट की क्लास है यार, इससे बड़ा वीडियो नहीं हो सकता है। और यही वीडियो आप लोग देखना भी चाहते हो, मैंने एक वोटिंग करवाया था। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जय हिंद। और याद रहे सुबह 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा हर दिन PBR स्टडी प्रयागराज पर। ऊपर नंबर दिया गया, जिनको पूरा कोर्स करना वो संपर्क करें और आज ही ज्वाइन करें, ठीक है। ओके।